नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा सतीश कौशिक इनके जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सतीश कौशिक के जीवन के बारे में बता दूं। सतीश कौशिक भारतीय फिल्म के मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता और पटकथा लेखक थे। हिंदी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। इन्हें मुख्य रूप से फिल्म मिस्टर इंडिया के अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जिसमें इन्होंने कैलेंडर की भूमिका अदा की थी। सतीश को 2 बार बेस्ट कॉमेडी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सतीश कौशिक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के करोल बाग से की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोडीमल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिल लिया, जी हाँ, जिसे हम NSD कहते हैं। साल 1978 में वहां से पास आउट होने के बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पढ़ाई की। सतीश कौशिक के करियर की शुरुआत तो उन्होंने अपने करियर के एकदम स्टार्टिंग में कर ली थी। बतौर सहायक निर्देशक उन्होंने शेखर कपूर के साथ फिल्म मासूम की थी। इस फिल्म में सहायक निर्देशक होने के साथ साथ उन्होंने इस फिल्म में अभिनय भी किया था। उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की पारी की शुरुआत अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से की, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली। उसके बाद उन्होंने प्रेम फिल्म का निर्देशन किया। ये फिल्म तब्बू की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय को लेकर हम आपके दिल में रहते हैं का निर्देशन किया, जो कि उस समय की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी। सतीश कौशिक निर्देशन में ही नहीं बल्कि अभिनय में भी काफी मजे हुए थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों में सहायक कलाकार की भूमिका अदा की। उनकी सबसे यादगार फिल्म मिस्टर इंडिया है, जिसमें उन्होंने कैलेंडर की भूमिका अदा की थी, जिसके बाद उन्हें लोग कैलेंडर नाम से संबोधित करने लगे थे। उन्हें उनके बेहतरीन कामों के लिए कई सारे अवार्ड मिले हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल के लिए इन्हें अवार्ड मिल चुका है। सतीश कौशिक का विवाह शशि से हुआ था, जो बाद में शशि कौशिक हो गई। उनके बच्चे, उनको एक लड़का हुआ था जो 2 साल की उम्र में ही स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद उनकी एक बेटी हुई वंशिका कौशिक। इनकी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम जिसमें इन्होंने एक्टिंग की, 2008 में गॉड तुसी ग्रेट हो, 2007 में ब्रिक लैन, 2007 में माइग्रेशन, 2006 में उमर, 2006 में शून्य, 2005 में खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, 2004 में वजह, कैलकटा मैल, 2003 आउट ऑफ कंट्रोल, 2003 तहजीब, 2003 हम किसी से कम नहीं, 2001 क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, 2001 चल मेरे भाई, 2000 हद कर दी आपने, 2000 पापा द ग्रेट, 2000 हमारे दिल आपके पास है, 2000 तेरा जादू चल गया, 2000 दुल्हन हम ले जाएंगे, 2000 बड़े दिल वाले, 1999 राजा जी, 1999 हसीना मान जाएगी, 1999 हम आपके दिल में रहते हैं, 1999 आप लौट चले, 1999 छोटा चेतन, 1998 घर वाली बाहर वाली, 1998 परदेसी बाबू, 1998 किला, 1998 बड़े मियाँ छोटे मियाँ, 1998 आंटी नंबर 1, 1998 घूंघट, 1997 गुदगुदी, 1997 मेरे सपनों की रानी, 1997 मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, 1997 दिल के झरोकों से, 1997 दीवाना मस्ताना, 1997 साजन चले ससुराल, अंदाज, जमाई राजा, विश कन्या, मौत की सजा, स्वर्ग, तकदीर का तमाशा, आवारगी, वर्दी, जोशीले, आग से खेलेंगे, डैडी, प्रेम प्रतिज्ञा, राम लखन, एक नया रिश्ता, मिस्टर इंडिया, काश, ठिकाना, जलवा, मोहब्बत, सागर, उत्सव, मंडी, वो 7 दिन, 1983 जाने भी दो यारा, 1983 मासूम, 1983। बतौर लेखक सतीश कौशिक की फिल्मों के नाम, वर्ष 2008 में मिलेंगे मिलेंगे, वर्ष 2006 में शादी से पहले, वर्ष 1983 में जाने भी दो यारों। सतीश कौशिक बतौर निर्माता 2002 में बनाई बधाई वो बधाई, 1987 में मिस्टर इंडिया। बतौर निर्देशक उनकी फिल्मों के नाम, 2008 में मिलेंगे मिलेंगे, 2006 में शादी से पहले, 2005 में वादा, 2003 में तेरे नाम, सलमान खान की सुपरहिट फिल्म,
2002 में बधाई है बधाई, 2001 में मुझे कुछ कहना है, 2000 में हमारा दिल आपके पास है, 1999 में हम आपके दिल में रहते हैं, 1995 प्रेम, 1993 रूप की रानी चोरों का राजा। दोस्तों जानकारी के अनुसार सतीश कौशिक दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए दिल्ली गए हुए थे। देर रात को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें आनंद फानंद गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया। रात करीब 2:30 पर गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया। 66 वर्ष की आयु में कौशिक के शव का दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। हालांकि फोर्टिस के डॉक्टरों को इसमें संशय था, जिसकी वजह से उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम कराया गया। दोपहर करीब 12:30 उनका शव दीनदयाल अस्पताल में परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सतीश कौशिक के पार्थिव शरीर के साथ अस्पताल आए उनके दोस्त प्रतीक आनंद ने बताया कि डॉक्टरों ने सतीश कौशिक की मौत की वजह अचानक पड़ने वाला दिल का दौरा। सतीश कौशिक के पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया। सतीश कौशिक के मैनेजर ने कहा कि बुधवार सुबह 10:00 होली मनाने के लिए वो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 पुष्पांजलि में आए थे। होली सेलिब्रेशन के बाद वो पुष्पांजलि में ही रुके। रात करीब 12:10 उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और बताया कि उन्हें छाती में दर्द हो रहा है। वह तुरंत उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले गए, जहां गेट पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने कापसहेड़ा थाने की पुलिस चौकी को सूचना दी। पुलिस उनके शव को DDU अस्पताल लेकर आई और पोस्टमार्टम करवाया। तो दोस्तों आपको जानकारी ठीक लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।